बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रदेश के 13 विधायक और एक विधान पार्षद अब दिल्ली जाने के लिए सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। संसद भवन यात्रा की तैयारी में इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनमें से 5 की किस्मत पहले से ही ईवीएम में बंद हो चुकी है, बाकी अन्य अपनी जीत के लिए अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि सभी 7 चरणों में कोई न कोई विधायक या विधान पार्षद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने अपने 7 विधायकों को टिकट दिया है। इसके अलावा जेडीयू से एमएलए रही बीमा भारती को पूर्णिया से मैदान में उतारा है। भाकपा माले के 2 और कांग्रेस के 1 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में हम पार्टी के 1 विधायक और जेडीयू के 1 विधान पार्षद चुनाव मैदान में। अगर पार्टी वार बात करें तो आरजेडी ने गया लोकसभा क्षेत्र से बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत, दरभंगा सीट से दरभंगा ग्रामीण विधायक ललित यादव, बक्सर से रामगढ़ के सुधाकर सिंह, उजियारपुर से उजियारपुर के आलोक मेहता, अररिया से जोकीहाट के शहनवाज आलम, जहानाबाद से बेलागंज विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, सिवान से स्थानीय विधायक अवध बिहारी चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं रुपौली से जेडीयू विधायक बीमा भारती ने विधानसभा से इस्तीफा देकर आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर माले ने नालंदा से पालीगंज विधायक संदीप सौरव, आरा से तरारी विधायक सुदामा प्रसाद को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से भागलपुर के स्थानीय विधायक अजित शर्मा वहीं से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में बीजेपी ने अपने अनुभवी प्रत्याशियों पर भरोसा जताया। हम संरक्षक और इमामगंज विधायक जीतन राम मांझी गया से चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू ने अपने एमएलसी और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से उम्मीदवार बनाया। वहीं एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान किशनगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्णिया के आमौर से विधायक हैं। अगर ये जीतते हैं तो बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन बिहार से लोकसभा में पार्टी का खाता खुल जाएगा। पिछले विधानसभा में इस पार्टी के 5 विधायक थे, जिनमें से 4 पहले ही आरजेडी में शामिल हो गए। गया में दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार विधायक हैं, यानी यहां सांसद बनने वाले उम्मीदवार के विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा।